हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला देवी वैसे तो बहुत सरल स्वभाव की थी, लेकिन गर्मियों में उसकी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पानी की प्यास की बात हो रही है। ऐसे ही एक शाम सरला शाम की सैर करके घर आती है और अपनी बहू आकांक्षा को आवाज लगा कर कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा पानी तो लेकर आ, ठंडा ठंडा, बहुत प्यास लगी है। लो, हो गई शुरू। अब फ्रिज की कम से कम 3-4 बोतल तो खत्म करके रहेंगी। ला रही हूँ माँ जी। आकांक्षा हाथों में पानी का ग्लास लिए रसोई से बाहर आकर हॉल में बैठी अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी पानी, और घूम आई आप बाहर। अरे मुई, एक ग्लास ही पानी लाई है, इससे मेरी प्यास कहाँ बुझेगी, एक बड़ी बोतल लेकर आ। आपकी प्यास तो पानी के बड़े टैंकर से भी नहीं बुझेगी। क्या बोली तू? कुछ नहीं माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। आकांक्षा एक बड़ी वाली पानी की बोतल लाकर अपनी सास के आगे रख देती है और देखते ही देखते पल भर में सरला देवी पानी की बोतल खत्म कर देती है और अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए कहती है, अब प्यास बुझी। कसम से बहू, इतनी गर्मियों में तो बहुत सारा पानी पीना चाहिए, हमारी त्वचा के लिए सही रहता है पानी। हाँ माँ जी, लेकिन आपके जितना पानी कोई नहीं पीता होगा, और जितनी तेजी से आप पानी पीती है ना, धरती का सारा पानी एक दिन खत्म कर देंगे। अब तू मेरे पानी पीने पर भी नजर लगा दे। इतना बोलकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले में पानी के लिए लंबी लाइन लगी होती है। ये देखकर पानी भरने आई आकांक्षा बोलती है, बताओ पानी पिए मेरी सास और भरूं मैं, अरे इनकी प्यास के चलते हमारे घर में कुआं खुदवाना पड़ेगा किसी दिन। आकांक्षा लंबी लाइन में लगी ये बोल ही रही थी कि तभी हल्ला मच जाता है कि पानी नहीं आएगा, और ये सुनकर एक पड़ोसन कमला कहती है, हाय हाय, पानी नहीं आएगा आज, ऐसे कैसे, मेरे घर में तो सिर्फ थोड़ा सा ही पानी है, पानी नहीं आया तो खाना कैसे बनेगा, हमारी प्यास कैसे बुझेगी। हाँ कमला आंटी, ये तो सही कहा आपने, पानी के बिना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे घर में, और वैसे भी मेरी सासू माँ इतना पानी पीती है कि क्या बताऊँ। क्या कर सकते हैं सरला की बहू, ऐसा करियो 2 दिन थोड़ा संभल कर पानी खर्च करियो, क्योंकि अगर आज पानी नहीं आया तो 2 दिन बाद ही आएगा। हाय, 2 दिन कैसे निकालूंगी। आकांक्षा अपने बर्तन लेकर वापस घर आ जाती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास फ्रिज में से एक बोतल निकाल कर गटागट पानी पिए जा रही है। ये देखकर आकांक्षा भागते हुए जाती है और सरला के हाथ से बोतल छीनते हुए कहती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? 2 दिन के लिए अपनी प्यास पर कंट्रोल रखिए। हाय हाय करम जली, तूने मेरा पानी पीना भी दुश्वार किया हुआ है, अपनी सास की प्यास नहीं बुझा रही, तुझे पाप लगेगा इस चीज का। लगता है पाप तो लगने दो, लेकिन आपको इतना पानी नहीं पीने दूंगी। अरे आज पानी नहीं आया, घर में थोड़ा ही पानी है, उसमें से खाना बनाऊं या आपकी प्यास बुझाऊं, इसलिए अब फ्रिज पर ताला लगा रहेगा। आपको पानी पीना है तो मेरे से मांगना होगा, और मैं जितना पानी दूंगी उतना ही पीना होगा। अपनी बहू का ये फरमान सुनकर सरला गुस्से में भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब आकांक्षा का पति सुमित घर आता है, तो आकांक्षा आधा ग्लास पानी लाकर सुमित को देते हुए बोलती है, आ गई आप, ये लीजिए पानी। लाओ दो यार, आज बहुत प्यास लग रही है, कसम से इतनी गर्मी है ना, क्या बताऊं। ये क्या, आधा ग्लास पानी? हाँ आधा ही, प्यास बुझाने के लिए इतना बहुत है। आज मोहल्ले में पानी नहीं आया, इसीलिए 2 दिन का पानी संभाल कर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना होगा। अरे लेकिन मेरी माँ का क्या हाल होगा बिना पानी के, उनकी प्यास बुझाने के लिए तो मोहल्ले का पानी कम पड़ जाए, इतने से पानी में उनका गुजारा कैसे होगा। करना तो पड़ेगा गुजारा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सरला देवी को ज्यादा पानी पीने की आदत थी, जो अब पानी की कमी के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते वो अपने घर से बाहर जाकर अपनी पड़ोसन कमला के घर आकर उसे बोलती है, और कमला बहन कैसी हो, बहू कैसी है? ठीक है सब, तुम बताओ सरला बहन कैसे आना हुआ, बहू को मैं चाय के लिए बोल देती हूँ। अरे नहीं, चाय रहने दो, पानी मंगवा दो जरा। पानी? माफ करना, वैसे भी पानी के लिए मना तो नहीं करना चाहिए,
लेकिन सरला बहन, पानी की बहुत कमी है पूरे मोहल्ले में, इसलिए हम चाय भी दूध वाली पी रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं, चलो चलती हूँ। सरला की प्यास बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते वो अपने घर आकर फ्रिज के बाहर भी जिस जिस बर्तन में पानी रखा था सब पी जाती है। साथ ही कुछ पैसे लेकर बाहर दुकान से भी पानी खरीद कर पीती है। कुछ देर में जब आकांक्षा घर के सारे बर्तन खाली देखती है तो वो चिल्लाते हुए अपने पति को कमरे से बुलाकर बोलती है, सुमित, सुमित, बाहर आ जाओ। क्या है, क्यों पागल चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? मैं तुम्हारी माँ की प्यास से तंग आ गई हूँ। अरे वो इतनी प्यासी है कि घर का सारा पानी पी गई। अब खाना कैसे बनेगा? पता है मोहल्ले में पानी की किल्लत है। यार कोई नहीं, बाहर से कुछ पानी खरीद लाएंगे, उससे बना लेना खाना। अब माँ को पानी के लिए टोकते अच्छे लगते हैं क्या हम? ठीक है तो जाओ खरीद लाओ, मैं भी देखती हूँ कितना पानी खरीद के लाते हो। सुमित घर से बाहर जाकर पानी की दो बड़ी बड़ी बोतल खरीद लाता है और उसके कुछ देर बाद ही सरला भी घर आती है, जो पानी देखकर बोलती है, अरे वाह, पानी आ गया, बहू दियो जरा पानी पीने को। माँ जी आप पहले ही इतना पानी पी चुकी हैं। मानती हूँ गर्मियाँ हैं, प्यास ज्यादा लगती है, लेकिन इतना भी क्या प्यास लगती है आपको? घर का सारा पानी ही खत्म कर दिया। पानी जीवन जीने के लिए जरूरी है, पानी की कमी के चलते उसको संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, पता नहीं है आपको? बहू मुझे भी पता है, पानी अनमोल है और मैं उसको बर्बाद तो नहीं करती ना। जानती हूँ बर्बाद नहीं करती, लेकिन मैं भी क्या करूँ, इस घर की बहू होने के नाते मुझे सबका सोचना पड़ता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको प्यासे रखकर ऐसे पानी बचाऊं, पर मैं भी मजबूर हूँ माँ जी। मैं समझती हूँ बहू, अब से मैं ज्यादा पानी नहीं पीऊंगी, तू चिंता मत कर। इतना बोलकर सरला अपने कमरे में चली जाती है और अपने पानी पीने की आदत पर कंट्रोल करती है। लेकिन इतने समय की आदत को ऐसे अचानक ही बदलने पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है, जहां डॉक्टर आकांक्षा और सुमित से बोलते हैं, देखिए सरला जी के शरीर में पानी की बहुत कमी हो चुकी है। ऐसा लगता है इनके शरीर में ज्यादा पानी पीने की आदत थी और अचानक से ही इन्होंने पानी पीना कम कर दिया, जिसके कारण इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही पानी की कमी के चलते उनको पानी पीने से मना किया था। मेरे सास की प्यास बुझाने की जगह मैंने उनको प्यासा रहने को कहा। तुम खुद को दोष मत दो आकांक्षा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तो घर का सोचकर ऐसा करने को कहा। मुझे ही किसी अच्छी जगह पर घर लेना चाहिए था, जहाँ 24 घंटे पानी आए, ताकि तुमको और माँ को कोई परेशानी ना झेलनी पड़ती। देखिए अगर आपके मोहल्ले में पानी की कमी है तो आप ऐसा करिए, आरओ फिल्टर लगवा लीजिए, जो खारे पानी को भी शुद्ध और मीठा बना देता है, क्योंकि मीठा पानी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में इंसान प्यासा तो नहीं मर सकता, इसलिए आप अपने घर में आरओ फिल्टर लगवाएं, जिससे आपको शुद्ध पानी मिले और आपका सेहत भी बहुत अच्छा रहे। जी डॉक्टर, हम आपकी बात जरूर मानेंगे, बस एक बार माँ ठीक हो जाए फिर उनको कोई कमी नहीं होने दूंगा। ग्लूकोज चढ़ने के कुछ देर बाद सरला को होश आ जाता है और शाम तक उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाती है, जिसके बाद घर आकर सुमित तुरंत एक आरओ वाले को बुलाकर उससे आरओ फिल्टर घर में लगवा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी आकांक्षा और माँ को कहता है, माँ अब तुमको कोई भी पानी पीने से नहीं रोकेगा, तुमको जितना पानी पीना है पियो। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको प्यासा रखा, जबकि पानी पिलाना तो इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। बहू तूने ये सब मजबूरी में किया तो इसके लिए माफ़ी मत मांग, और वैसे भी अब हमारी समस्या खत्म हो गई है, तो जरा एक ठंडी सी पानी की बोतल लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। सरला की इस बात पर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं और इस तरह उनकी पानी की ये समस्या परमानेंटली खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पानी एक बेहद ही अनमोल वस्तु है, इसीलिए उसको बचाएं, पीने के पानी को व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि जल बिना जीवन नहीं। गीत एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार लड़की थी, जिसका बस एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दिमाग से तेज तर्रार होने के साथ ही वो काफी मेहनती भी थी, आंखों में चमक और हाथों में रिजल्ट लिए हुए वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ कहाँ हो आप, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चीखती जा रही है? माँ ये देखो, मेरे कॉलेज का रिजल्ट आ गया है, पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है,
देखा, अब मैं अपने सपनों के कितने करीब आ गई हूँ। अरे बस बस, कोई बड़ा तीर नहीं मारा तूने जो इतना उछल कूद मचा रही है। बहुत कर ली पढ़ाई, अब ससुराल जाकर पढ़ना। माँ का क्या मतलब है? मतलब एकदम साफ है, जवान बेटियाँ माँ बाप पर बोझ होती है। अरे मोहल्ले की रहने वाली सभी लगभग तेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है, और कुछ तो बाल बच्चे वाली भी होने वाली है। अरे तू कब करेगी अपने हाथ पीले? माँ ये क्या कह रही हो आप? वही जो तूने सुना। माँ अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पहले मेरे पैरों पर खड़ा तो हो जाने दो, इस काबिल तो हो जाने दो कि मैं कुछ कर सकूं। और जिसकी शादी की आप मुझे दुहाइयां दे रही है ना, वो शीतल जिसके माँ बाप ने सब कुछ देख परख कर उसकी शादी की थी, छोड़ दिया उसके पति ने, अपने मायके में पड़ी है सड़े हुए आम की तरह। अरे पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, मुझे अपने दम पर कुछ कर लेने दो, फिर कर देना मेरी शादी। बस बहुत बोल चुकी तू, बेटियों का इतना जुबान चलाना शोभा नहीं देता। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो ऐसी कोई घटिया करामात मत करियो। माँ होने के बावजूद भी गौरी अपनी बेटी के सपनों को चकनाचूर करते हुए अपनी बात उस पर थोप कर चली जाती है। अगले दिन वरुण नाम का लड़का अपनी माँ सुजाता और पिता पवन के साथ उसके घर आता है और पारिवारिक रजामंदी से शादी तय हो जाती है। बीच में ही गीत बोल पड़ती है। एक मिनट रुकिए, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी मेरा फैसला मेरी शादी, और मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी, अगर आप मुझे शादी के बाद भी पढ़ने देंगी, मुझे कुछ बनने देंगे तो। अगर आपको इससे कोई एतराज नहीं है तो मैं राजी हूँ। बोलो भला, हमें क्यों एतराज होगा? एक बार शादी हो जाए, जब जितनी मर्जी उतनी किताबें छापती रही हो, मेरा बेटा कौन सा तेरी किताबों के अंदर घुसा जा रहा है। अच्छा समधन जी, अब इजाजत दीजिए। इतना कहते हुए लड़के वाले वहाँ से चली जाते हैं। तभी गौरी गुस्से से कहती है, मना किया था ना तुझे, लेकिन तेरी रॉकेट जैसी तेज जुबान रुकती ही नहीं है। माँ अगर मेरी जुबान रॉकेट होती ना, तो मेरे ससुराल वाले उसकी रफ्तार से ना कब के अंतरिक्ष में पहुँच चुके होते। इतनी देर सोफे पर पसर के ना उसकी जान नहीं निकालते। समय बीतने के साथ शादी का दिन आता है। रस्मों रिवाजों के साथ वरुण और गीत पति पत्नी के बंधन में बन जाते हैं, और विदाई के समय गीत का सामान देखकर सुजाता कहती है, अरे बहू ये आधे दर्जन सूटकेस ईंट पत्थर भर लिया है क्या? क्या मतलब है इतना सामान ले जाने का? अरे वृद्धा आश्रम के लोग भी इतना सामान नहीं बांधते जितना तू ससुराल लेकर जा रही है। जानती हूँ माँ जी, इसमें मेरी जरूरत की किताबें हैं। ओह अच्छा, एक काम कर बहू, ये कॉपी किताबें फिर कभी मंगा लियो। क्या है ना, गाड़ी में रिश्तेदारों के बैठने की जगह भी नहीं है, कम पड़ जाएगी तो ये बोझा कहाँ ही अटकाएंगे। सासू माँ, गाड़ी की डिक्की तो खाली है, और फिर गाड़ी कोई गधा थोड़ी है जिसके पीठ पर सारा बोझा लाद दे। इसकी निचली पेटी यानी कि डिग्गी, आराम से उसमें सब कुछ आ जाएगा। बहू की समझदारी के आगे सुजाता के बहानों पर पानी फिर जाता है, और दुल्हन बनी गीत ससुराल आ जाती है, जहां चारों तरफ रिश्तेदारों की भीड़ से घिरी गीत रस्मों के खत्म होने के बाद अपने कमरे में जा रही होती है। तभी वो अपने ससुर पवन को बोलते हुए सुनती है, अरे श्रीमती मिठाई ही खाती रहोगी, सोचा है कुछ बहू से क्या बोलने वाली हो? शादी तो निपट गई। अरे शादी के साथ बहू की आजादी समाप्त, वरुण के पापा शादी तो अब हो चुकी है, इसलिए अब बहू वही करेगी जो उसकी सास चाहेगी। वो तो उस दिन मैंने उसे झांसा दिया था क्योंकि मैं इतनी सुंदर लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसका मतलब मेरा शक एकदम सही था, मैं अपनी जिंदगी चूल्हे चौके में नहीं झोंक सकती। मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। सभी लोग हॉल में बिजी होते हैं, तभी गीत खिड़की से कूदकर भाग जाती है। कुछ देर में कमरे में सुजाता दस्तक देती है और खिड़की की तरफ देखकर कहती है, वरुण के पापा, वरुण जल्दी यहाँ आओ। अरे ऐसी भी कौन सी बला आ गई जो गला फाड़ रही हो? अरे गजब हो गया वरुण के पापा, बहू भाग गई। इससे पहले कि ये बात रायते की तरफ फैल जाए, कोई भी बहाना लगाकर सभी लोगों को यहाँ से रफू चक्कर कर दो। वरुण क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठ गया? सारे अरमान ठंडे हो गए,
सपनों पर पानी फिर गया। मतलब भागने की इतनी भी क्या जल्दी थी, ना जाने कौन सी रेस में दौड़ लगाने के लिए जाना था। सोचा नहीं था जिस पल जिस घड़ी का इंतजार महीनों से कर रहा था, मेरी वो सुहाग रात काली रात में कुछ इस कदर बदल जाएगी। ये वरुण क्या बुदबुदाए जा रहा है, लगता है बहू के भागने का इसे तगड़ा सदमा लगा है। कहीं कोमा में तो नहीं चला गया। एक काम करती हूँ, पानी डालती हूँ। सुजाता टेबल पर पड़े पानी के जग को वरुण पर डालती है और वरुण कहता है, माँ बिन बादल बरसात क्यों कर रही हो। शुक्र है बेटा तू होश में आ गया, मुझे लगा कि तुझे बहू के भागने का सदमा लग गया है। कब से तुझे बोल रही थी लेकिन तू जवाब ही नहीं दे रहा था। आधी रात को ऋतु का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है, तभी वो दरवाजे के पास आती हुई कहती है, कौन चमगादड़ की औलाद इतनी रात को दरवाजे पर तबाही मचा रहा है कि तू यहाँ वो भी दुल्हन के जोड़े में भाग भाग के तो नहीं आई ना। अरे सवालों का ढेर बाद में लगा लियो, अंदर तो घुसने दे मेरी माँ। गीत अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो उसे पूरी बात बताती है और ऋतु कहती है, ओ भैंस की आंख, तेरे ससुराल वालों को भनक लग गई ना तो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। क्यों मेरी लंका लगवाने पर तुली है, किसने कहा था तुझे जब भी मीट की करीना बनने को। तो मैं क्या करती, उन सभी के लिए लड़की का अर्थ बस यही है, लड़की बेटी से बहू बनी, बहू से माँ बनी और माँ से सास बनी। अरे मैं पूछती हूँ कि लड़के की जिंदगी बस यही वाली पोस्ट के लिए बनी है क्या, उसकी कोई और लाइफ नहीं है। अरे मैं नहीं जीना चाहती सिर्फ यही सास बहू वाली जिंदगी, मुझे उससे आगे कुछ कर दिखाना है। अबे तेरे इस लाइफ गोल की परिभाषा सुनकर मुझे सब कुछ घूमता हुआ गोल गोल दिखाई दे रहा है। तुझे ससुराल से भागना नहीं चाहिए था, अगर गलती से उन्हें भनक लग गई तो सबके सब मेरे घर आ धमकेंगे और फिर मुझे भगा भगा कर धोएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कर, मैं अपने मंजिल और अपने सपने के बहुत करीब हूँ। बस उसके लिए मुझे कुछ वक्त अपने घर से दूर रहना होगा और तू मुझे अपने घर में रहने की मंजूरी दे दे, तू मेरी लास्ट होप है। गीत की बातें सुनकर ऋतु उसे अपने घर पर पनाह दे देती है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। ससुराल से भागी गीत दिन रात कड़ी मेहनत करती है और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है, जिसके बाद गीत का सपना पूरा हो जाता है जब उसकी नियुक्ति आईएएस के पद पर होती है, जिसके साथ ये खबर उसके ससुराल और मायके वालों के पास अखबार में छप कर आती है, जिसे पढ़कर उसकी माँ गौरी खुशी से फूले नहीं समाती और सब कुछ भूलकर सभी उसके सम्मान में आयोजित हुए भव्य समारोह में पहुँचते हैं, जहाँ गौरी और सुजाता एक दूसरे को आमने सामने देखकर कहते हैं, आखिर आपके कदम भी घर से भागी हुई बहू की कामयाबी देखने आ ही गए। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा, बीती बातों पर मिट्टी डालो। मैं तो खुश हूँ कि कम से कम बहू घर से भागी भी तो आज फक्र से हमारा सीना ऊंचा तो कर दिया। अरे वाह समदन जी, रंग बदलने में तो आप गिरगिट को भी मार देती है। क्या कहा था आपने कि मेरी बेटी फुल होने में चिड़िया से भी दो कदम आगे निकली। अगर शादी के बाद वो नहीं भागती ना तो आज इस मुकाम पर खड़ी ना होती। दोनों में बहसबाजी होने लगती है, तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे बीच में आ रही है मिसेस गीत चतुर्वेदी, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ये बड़ा ओहदा हासिल किया है। कड़े संघर्ष के कारण आज वो बाकी जवानों का हौसला और साहस बनकर खड़ी हैं। मिसेस गीत चतुर्वेदी, क्या आप हमारे श्रोतागणों को कुछ कहना चाहेंगी? यस, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जिस मुकाम पर मैं खड़ी हूँ उसके लिए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। मेरे इन लॉस और मेरी फैमिली, जिनको मैंने बहुत हर्ट भी किया है, वो आज यही हम सबके बीच मौजूद हैं। और मैं उन्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जो हमें गलत दिखता है उसका सही परिणाम हमें देर से समझ आता है। सासू माँ, अगर उस दिन मैं अपनी शादी से नहीं भागती तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू। बहू के विचार सुनकर सुजाता का दिल भर जाता है। तभी तालियों की गड़गड़ाहट में आईएएस बनी गीत को सम्मानित किया जाता है, जिसके बाद सुजाता उसे गले लगाकर कहती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे, तेरे भागने के कारण मैंने तुझे बेहद गलत समझा, पर आज तूने अपने ससुराल और मायके दोनों का नाम रोशन कर दिया। सास और माँ की नासमझी के कारण गीत को अपने सपनों को पूरा करने के लिए
मजबूरन ना चाहते हुए भी घर से भागना पड़ा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अपनी ख्वाहिशें किसी के ऊपर थोपना सरासर गलत है। जो गलती सुजाता और गौरी ने की, वो आप और हम कभी ना दोहराएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।